हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम करने वाले हैं शॉर्ट ट्रिक इस चीज़ को समझने के लिए। देखिए, आप पहले इसको कैसे सॉल्व करते थे, 12 प्लस एक्स लिखते थे, देन स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स, और देन इस टाइप से हम इसको सॉल्व करते थे। अब हम क्या करेंगे, इसको शॉर्ट ट्रिक से सॉल्व करेंगे, जिससे आप देखते ही इसका आंसर बता सकते हैं। आपने करना क्या है, देखिए 12 नंबर है आपके पास, 12 नंबर है तो इसको आप इस तरह से डिवाइड करेंगे कि आपके पास जो नंबर यहाँ पे होता है ना, जैसे कि यहाँ पे अगर कोई नंबर नहीं है तो ये नंबर क्या है, 1 है, ठीक है। तो इस टाइप के नंबर, जैसे आपके फैक्टर्स देखते हैं, पहले हम इसके फैक्टर्स बनाते हैं। 12 है, इसको मैं लिख सकती हूँ 4 और 3, ठीक है। 4 इंटू 3 जो है ये मेरे पास 12 होता है। और एक फैक्टर और इसका बन रहा है जो है 6 और 2, बट मुझे 6 और 2 को यूज़ नहीं करना है। वाई? बिकॉज यहाँ पे मेरे पास क्या है, कुछ नहीं है, तो दैट मीन्स इसका मतलब क्या है, यहाँ पे 1 है और मुझे 4 और 3 का डिफरेंस क्या मिल रहा है, 1 मिल रहा है। लो जी, आ गया आपका आंसर। अगर 4 और 3 का डिफरेंस 1 है, आपने इसके फैक्टर्स देख लिए हैं कि आपके पास ये चीज़ है। अब यहाँ पे अगर आपके पास प्लस है, यहाँ पे अगर आपके पास प्लस है, तो आपका जो बड़े वाला नंबर आपके पास आया है वो है आपका आंसर। दैट मीन्स कि यहाँ पे आंसर मुझे क्या मिल गया, 4 मिल गया। जब आप इस टाइप के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे तो आपको और ज़्यादा समझ आनी शुरू हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये है मेरे पास 20, इसको आप खुद देख करके देखिए। आपको 10 सेकेंड्स का टाइम देती हूँ और उसके बाद मैं आपको समझाती हूँ। यहाँ पे आप क्या करेंगे, देखिए 20 है, 20 को मैंने बोला, इसको मैं लिख सकती हूँ 5 और 4, ठीक है। 5 इंटू 4 हमारे पास 20 होता है, तो अब आंसर बताइए, आंसर है 5। कितना टाइम लगता है इसको देखने में, ये लीजिए। चलिए एक और देखते हैं। देखिए अब यहाँ पे क्या है, अगर प्लस की जगह पे माइनस आ जाता है, अगर प्लस नहीं आता है, प्लस की जगह पे माइनस यूज़ होता है, तब आप क्या करोगे, ठीक है। सबसे पहले तो वही हमने काम करना है, सबसे पहले तो इसके फैक्टर्स बनाने हैं। 3 और 2 बन गए, यानी कि 3 इंटू 2 जो है वो मेरे पास 6 होता है। अब पहले प्लस होता था तो हम क्या करते थे, बड़े वाला नंबर ले लेते। अब माइनस आया है तो हम क्या करेंगे, छोटे वाला नंबर जो है वो हमारा आंसर हो जाएगा, यानी कि आंसर हमारा क्या बन गया, 2। बहुत ईजी है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखिए क्या है, यहाँ पे ना तो मुझे प्लस मिला है ना माइनस मिला है। अब यहाँ पे मुझे कुछ भी नहीं मिला, जहाँ पे कुछ भी नहीं होता उसका मतलब क्या होता है कि यहाँ पे क्या है, मल्टीप्लाई का साइन है। यहाँ पे कोई साइन नहीं है तो कौन सा साइन है, मल्टीप्लाई का साइन है। तो इसका आंसर क्या है, ये देखिए अप टू इन्फिनिटी जा रहा है, इसका आंसर क्या है, इसका आंसर 4 ही है जी। इसका आंसर देखते ही आ गया, इसका आंसर है 4, ठीक है। और ये ध्यान रखना है, अगर ये अप टू इन्फिनिटी जा रहा है तब इसका आंसर 4 है, अगर ये अप टू इन्फिनिटी नहीं है, यहाँ पे जाके ख़त्म हो जाता है, तब मैं बताती हूँ कि नेक्स्ट क्या शॉर्ट ट्रिक आप यूज़ करोगे। यहाँ पे अगर इन्फिनिटी जा रहा है तब इसका आंसर सेम रहेगा, ठीक है। ये देखिए, अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास आ चुका है, इसके लिए आपके पास 10 सेकेंड्स हैं। आई नो आपको 10 सेकेंड्स भी नहीं लगने वाले हैं इसका आंसर बताने के लिए, तो चलिए मैं आपको 10 सेकेंड्स देती हूँ और आप इसका आंसर मुझे दे दीजिए कमेंट बॉक्स में। यस, इसका आंसर होगा 16। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए, मैंने आपको बोला था कि अगर अप टू इन्फिनिटी जाता है तब आपने आंसर क्या देना है, सेम आंसर देना है। अब इसको ध्यान रखना, मैं 10 सेकेंड्स देती हूँ आपको इसको सॉल्व करने के लिए। बस ये बता देती हूँ कि इसका आंसर 13 नहीं है। इसमें आप क्या करेंगे, इसमें देखिए आपके पास यहाँ पे जितने भी स्क्वायर रूट्स हैं, पहले क्या है, देखिए 13 तो आपने एज इट इज़ लिख ही लेना, ठीक है। उसके बाद जितने स्क्वायर रूट्स हैं काउंट कर लीजिए, 1, 2, 3, 4 एंड 5 स्क्वायर रूट्स हैं, ठीक है। 5 स्क्वायर रूट्स हैं तो उतनी बार मैंने क्या लिख लेना है, 2 लिख लेना है, ठीक है। 5 टाइम्स 2 लिखा, मल्टीप्लाई कर दीजिए, 4, 8, 16, 32। तो मेरे पास ये आया 32, तो मैं क्या करूँगी, इसकी डिनोमिनेटर में 32 और ऊपर 1 माइनस करके लिख दीजिए, नीचे 32 और ऊपर क्या आएगा, 31। ये मेरा आंसर होगा, ठीक है, ये मेरा आंसर होगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। यस, अब ये आपके पास है, इसके लिए आपको 10 सेकंड्स का टाइम मिलता है। इसमें आपने क्या किया, 9 है, एज इट इज़ 9 लिख लेना है, और देन 1, 2, 3, 4, 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 2 8, 8 इंटू 2 16। तो यहाँ पे आपका आ गया 16 और ऊपर क्या आएगा, 15। ये आपका आंसर हो गया, है ना, बहुत कमाल की ट्रिक। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए मैंने आपको बताया था कि अगर आपके पास प्लस में, यहाँ पे अगर कुछ नहीं था,
हमने अभी किया क्वेश्चन, यहाँ पे देखिए, तब हमारे पास यहाँ पे कुछ नहीं था, पर हम ऐसे फैक्टर्स बना रहे थे जहाँ से हमें, जैसे ये था, यहाँ पे हम वन यूज़ करके चल रहे थे, ठीक है, हमने थ्री और टू इसके ऐसे फैक्टर्स बनाए जिनका डिफरेंस जो है वो वन आ जाए। अब इस टाइप का क्वेश्चन है, यहाँ पे देखिए क्या यूज़ हुआ है, यहाँ पे टू यूज़ हो गया है, यहाँ पे क्या यूज़ हो गया है, टू यूज़ हो गया है। अब मैंने इस तरह के फैक्टर्स बनाने हैं 35 के, कि मुझे डिफरेंस जो है वो क्या मिल जाए, टू मिल जाए। देखिए अगर मैं इसको लिख दूँ 7 और 5, तो जो मुझे डिफरेंस है 7 और 5 का, वो मुझे क्या मिल रहा है, 2 मिल रहा है, और 7 इंटू 5 क्या होता है, 35 होता है, ठीक है। और ये अप टू इन्फिनिटी तक जा रहा है, तो मुझे आंसर ढूंढने में कोई मिस्टेक, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। 7 और 5, तो जो यहाँ पे क्या है, ये प्लस है, तो मेरा आंसर क्या है, बड़े वाला नंबर, तो यानी कि मेरा आंसर क्या है, 7, ठीक है। नेक्स्ट वाला आप खुद कीजिए, इसे आप खुद करके दिखाइए, आपके पास है 10 सेकेंड्स। आई होप आपने इसको सॉल्व कर लिया होगा, इसको हम करके देखते हैं। अब अगेन हमने वही चीज़ देखनी है कि डिफरेंस जो है वो 2 आना चाहिए, और मेरे पास है 24 है, तो मैं इसको कैसे लिखूँ। देखिए 24 के फैक्टर्स तो ये भी बनते हैं, 12 इंटू 2 भी मैं इसको लिख सकती हूँ, बट मैं 12 इंटू 2 यूज़ नहीं कर सकती, बिकॉज ये डिफरेंट जो है ना, ये डिफरेंस मुझे 2 चाहिए, तो मैं किसको यूज़ करूँगी, 6 और 4, इनका डिफरेंस भी क्या आ रहा है, 2 आ रहा है, और 6 इंटू 4 क्या होता है, 24, तो यहाँ से मेरे पास प्लस है, तो बड़े वाला नंबर मेरा आंसर है, बस दैट्स इट। नेक्स्ट देखते हैं, अब फिर वही बात करेंगे, डिफरेंस जो है वो कितना चाहिए, 3 चाहिए, तो मैं इसको लिख सकती हूँ 6 इंटू 3, ठीक है, 6 इंटू 3 लिख सकती हूँ ना, तो 6 इंटू 3 क्या होता है, 18 होता है आपके पास, और डिफरेंस की अगर मैं बात करूँ तो 3 होता है, तो अब मेरा आंसर क्या है इसमें, आंसर मेरा है ये छोटे वाला नंबर, बिकॉज छोटे वाला नंबर क्यों है, बिकॉज यहाँ पे क्या है, माइनस यूज़ हो रहा है, इस चीज़ को ध्यान से देखना है कि माइनस यूज़ हो रहा है या प्लस यूज़ हो रहा है। माइनस यूज़ हो रहा है तो छोटे वाला नंबर आपका आंसर है, प्लस यूज़ हो रहा है तो बड़े वाला नंबर आपका आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये वाला, ये आप खुद कीजिए, यू हैव 10 सेकेंड्स टू सॉल्व दिस। यस, अब आपने बनाने हैं 36 के फैक्टर्स, ये 36 के फैक्टर्स मैंने बनाए, मुझे लगता है ये 9 इंटू 4 हो रहा है। आप मुझे बताना कमेंट बॉक्स में कितने बचे हैं जिनका आंसर बिल्कुल सही गया है, मतलब 10 सेकेंड्स में उन्होंने सॉल्व कर लिया है इस चीज़ को, आपकी प्रैक्टिस साथ साथ ही हो रही है। तो हमने अब माइनस में देखा है, तो 4 आपका आंसर आ जाएगा। ओके, थैंक यू एंड कीप वॉचिंग माई वीडियोज़।